वैकुम दोस्तों एक दफ़ा से खुश हमदीद आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंस्टेंट गीज़र के बारे में जो सबसे कामन मसला है और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी है मेरे ख़्याल में तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे वो मसला क्या है और वो उसको हम कैसे उसकी करते हैं उसके बाद उस फाल्ट पे काबू कैसे पाते हैं उसको सेट कैसे करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे तो आइए बगैर आप लोगों का वक्त ज़ाया कि वे अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं सबसे पहले अक्सर गीज़रों में ये मसला आता है कि जब हम टेप ऑन कर लेते हैं गीज़र ऑन हो जाता है हम इस्तेमाल के बाद जब पानी दोबारा बंद कर देते हैं टैप बंद कर देते हैं तो गीज़र बंद हो जाता है ये नॉर्मल इसका वर्किंग है लेकिन जब हम टैप बंद कर लेते हैं तो गीज़र की बाकी चीज़ें तो बंद हो जाती है लेकिन बर्नर जो है वो बदस्तूर आ नहीं रहता है मतलब गीज़र के अंदर आग लगी रहती है ये सबसे ख़तरनाक काम है इसका इसकी खतरनाक हम इस वजह से कह रहे हैं कि इससे गीज़र का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एक तो गैस आपकी ज़ाया हो रही है जो इकनॉमिकली आपको मसला है दूसरा ये है कि आपका गीज़र का जो ये पर्थ वगैरह है ऊपर वाली ये सारी गल जाती है उसके अंदर जो पानी होता है वो इतना हार्ड हो जाता है इतना गर्म हो जाता है कि वो भी धुआँ देने लगता है और गीज़र की जो लाइफ है वो कम हो जाती है तो खतरनाक इस वजह से कि गैस भी आपके कमरे में बढ़ सकते हैं अल्लाह ना करे कोई और मसला भी गैस जमा हो जाए या ये इस तरह चलता रहे उसकी जो कार्बन डाईऑक्साइड है वो जमा हो जाती है तो उससे भी मसला हो जाता है तो ये जो सबसे ख़तरनाक हम इस गीज़र के इस अमल को कहते हैं कि जब हम टेप बंद कर लेते हैं फिर भी इसके अंदर आग लगी रहती है इसका म... ये ये होता क्यों है ये इस वजह से होता है कि यहाँ पर हम ये वाली जो लाइन है ये गैस की है यहाँ पर हम इसको गैस देते हैं गैस देते वक्त तो ये इसके ऊपर एक सैलनाइड वाल लगा होता है जैसे ही हम ऑन कर लेते हैं वो टिक टिक करता है टिक टिक होने के बाद तीन सेकंड के बाद ये ऑन हो जाता है ये गैस ऑन कर देता है यहाँ पर इसको गैस को हम कम ज़्यादा कर लेते हैं वो इस लाइन के थ्रू आ जाता है यहाँ पर और इसके थ्रू हम इसके जो जेट है वो चेंज करते रहते हैं समर या विंटर की तरफ़ करते हैं तो ये जो मेन रिले है इस मेन रिले की वजह से यहाँ से इसकी लीकेज होती है अब ये दो वजह की वजह से लीकेज हो सकती है पहली वजह जो बहुत कम रेयर केस होता है हमारे पास हमने मैंने जहाँ तक इस पर एक्सपेरिमेंट किया है ये हमारे पास पाँच परसेंट होता है वो किस तरह होता है जब हम इसको चला लेते हैं और चलाने के बाद बंद कर लेते हैं फिर भी ये ऑन रहता है तो हम क्या कर लेते हैं पहले पहले इस सलेनाइड वाल का ये जो जैक है ये हम ऑन हालत में जब ये ऑन हो मतलब है इसका फ्लेम चल रहा है आपने टूटी बंद किए फ्लेम चल रहा है तो हम इसका क्या कर लेते हैं इसका ये जैक उतार लेते हैं ये जैक उतर गया जैसे ही हम जैक उतार लेते हैं अगर शोला बंद हो गया उसके साथ यहाँ पर उसका जो शोला चल रहा होता है अगर वो शोला बंद हो गया तो फिर तो समझो कि आपके सर्कट का मसला है बंद होने के हालत में भी आपके सेलेनाइड वाल को ये वोल्टेज फराहम कर रहा है जो कि ये उसकी खराबी है बन हालत में इसको ये वोल्टेज फराहम नहीं करने चाहिए आन हालत में तो ये रियर केस होता है ये हमें पाँच से दस परसेंट मैक्ममम मिला है ये फॉल्ट उसके बावजूद भी अगर इसको खोलने के बावजूद दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ जैक आपने खोल लिया फिर भी आपकी आग जो है वो बदस्तूर चल रही है तो फिर आप इस तरह कर लें कि पीछे से वाल बंद कर दें गैस का टेप तो आपका ऑलरेडी बंद है फिर इसको यहाँ से खोल लें इसको यहाँ से खोल लें मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ ये मेरे पास स्पेयर एक पड़ा हुआ है यहां से इसको कोल लें उसका नोजल है ये कुल जाता है ये तो ये हम पर जाली लगी होती है एक जाली की अच्छी तरह आपने सफाई भी करनी है पहली बात उसके बाद यहाँ पर यह सालेना एडवाल जो लगा हुआ है ये वाला आपने उसके साथ बेहतरीन किस्म का पेचकस जो इसकी चूड़ी इसके जो नट है उसमें फिक्स आ जाए ये एक हो, बहुत हो। Uh, मैं आपको कॉमन फॉल्ट इसका बता रहा हूँ इसके इस तरह के स्क्रू होते हैं जो अगर आपका जो पेचकस का मुंह सेट नहीं हो रहा है इसके ऊपर या छोटा है या बड़ा है तो ये स्लिप कर जाते हैं अक्सर बड़े टाइट लगे होते हैं तो इसके लिए हमेशा इसी तरह मोटा जो इसके साथ चूड़ी के अंदर बिल्कुल फिक्स बैठे ये वाली रिले आपने यहाँ से ये दो स्क्रू लगे होते हैं एक ऊपर और एक ही नीचे ये दो स्क्रू आपने खोल लेने हैं जैसे ही आप ये दो स्क्रू खोल लोगे मैं आपको इसका यह सारा सिस्टम निकाल के दे देता हूँ ये ये देखें मैं आपको उसके ऊपर रिले भी लगा के दिखा देता हूँ ये इसके ऊपर रिले लगे होती है ये सिस्टम है यहाँ पर स्क्रू आपने कोल लेना है यहाँ पर ये आपने स्क्रू कोल लिया ये इसको आपने अलग कर दिया अब आपने क्या करना है सबसे पहले इसको खोल कर इसकी जाली की सफ़ाई कर लेनी है जो इसके अंदर जाली है यहाँ तक आप इसकी सफ़ाई कर देनी है। इसके अंदर देख रहे हो इसके अंदर कचरा पड़ा हुआ है ये हर एक के अंदर होता है ये गैस के साथ या लाइन के साथ अक्सर हम पाइप चेंज करते रहते हैं या आगे पीछे पाइप किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं फिर यहाँ इसके लिए इस्तेमाल कर जाते हैं तो उसमें लाजमी कोई ना कोई कचरा आ जाता है जब ये कचरा आता है तो ये जो इसका रिले का ये प्लंजर है ये वाला ये नॉर्मल हालत में इस सुराख के ऊपर ये इसी तरह बैठा रहता है गैस जाने नहीं देता जब ये लेच हो जाता है तो तब इसको गैस आगे फॉरवर्ड होता है तो यहाँ पर गंद वगैरह आने की वजह से ये सही अपनी जगह नहीं बैठा होता जिसकी वजह से ये लीकेज करता है और उस लीकेज की वजह से गैस जो है वो बंद हालत में भी चलती रहती है और यहाँ पर आगे आपका शोला जो है वो ऑन रहता है अब आपने क्या करना है अगर आपके पास डब्ल्यू डी फोर्टी एक हमारे पास लिक्विड टाइप है सफाई के लिए वो है तो वो तो वेल एंड गुड अगर वो नहीं है तो आपने गीले कपड़ा लेकर इसके अंदर साफ करना है अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से यहाँ पर भी साफ़ करना है और इस तरीके इसको भी साफ़ करना है उसके बाद हवा का प्रेशर वग़ैरह देके या पंप वगैरह जिस तरीके से भी आप थोड़ा बहुत हवा अगर इसको दे सकते हो उसको साफ करके इसको कोई कचरा यहाँ पर ना हो उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने इस रिले का ये वाला जो है ये ठिपो इस थोड़ा सा साइड पे कर लो इस तरह ये ओपन हो जाता है ये देखें ये ओपन हो गया स्प्रिंग भी ओपन हो गया है इस स्प्रिंग को थोड़ा सा इस तरह हल्का सा हल्का के, खींच लें और इसको भी डब्ल्यू डी फार्टी या अगर डब्ल्यू डी फार्टी नहीं है घर पे तो आपका ये दियाई वो मु, 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 जो सिलाई मशीन होता है उसकी जो आयल होती है वो भी वो इसको दे दें उसके बाद इसको थोड़ा रवाना कर दें हल्का पुल्का इस तरह उसके बाद दोबारा इसको फिट करें फ़िट करने का तरीका ये है कि स्प्रिंग दोबारा यहाँ पर इसके साथ लगा लें आयल देने के बाद फिट करने का तरीका उसका यह है कि ये वाली स्प्रिंग आपने दोबारा यहाँ पर रखनी है यहाँ पर इसके स्प्रिंग के अंदर ये खाने बने होते हैं ये इसको भी आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है गीले कपड़े से इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना है फिर इसको इस तरह बिठा के स्प्रिंग यहाँ पर उसकी किनारे बने होते हैं ये बिल्कुल फ्लेट है अब किसी के किनारे बने होते हैं तो किनारे को यहाँ इस सुराह के अंदर पसा लोगे ये इसकी कनी नज़र आ रही है इसमें इस तरह पसा लोगे और दोबारा इसको सीधा बिल्कुल ऊपर से प्रेशर दे दोगे ये पास जाएगा ये देखें बेहतरीन काम कर रहा है ये साफ़ करके अच्छी तरह और उसको साफ करके इसको दोबारा लगा लोगे लगाने का तरीका एक दोबारा इसमें जो मेन पॉइंट आता है इसमें यहाँ पर एक वाशल लगी होती है अक्सर लोगों से गलती ये हो जाती है कि यहाँ पर लीकेज करता है ये सारा स्क्वायल वगैरह ये यह यहाँ पर यह जला देता है आपने क्या करना है कि ये वाली जो ये ये वाशल है ये ये वाशल आपने प्रॉपर अपनी जगह पे रखनी है यहाँ पर यह इसकी अपनी प्रॉपर जगह बनी हुई है यहाँ पर इस पर रख लोगे अब इसका जो सिरा है हमेशा ये तारों वाला सिरा ऊपर की तरफ होता है इस तरह अब यहाँ पर एक स्क्रू लगा लो यहाँ पर स्क्रू लगा लो ये आपका काम हो गया जब आप ये दोनों लगा लो तो आप उसके बाद कनेक्ट करने से पहले एक दफ़ा यहाँ से आप मुंह से पूंख मार के चेक कर लें कि अभी भी लीकेज मौजूद है कि नहीं अगर लीकेज मौजूद है तो दोबारा कोल के अच्छी तरह साफ कर लो अगर यहाँ पर ज़्यादातर ये भी होता है 80 परसेंट सफाई से मसला हल हो जाता है कभी कभी इस तरह होता है कि यहाँ पर इसका ये वाला जो सिरा है ये इस्तेमाल के साथ गिर जाता है या ये किनारा जो है कट जाता है जिसकी वजह से वो नहीं रोकता तो फिर अगर आपके पास स्पेयर कोई है तो ये उसका ऊपर वाला टिप चेंज कर लें नहीं तो ये रिले चेंज कर लें ये रिले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है वहाँ से भी मिल जाएगी व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वहाँ से भी गीज़रों का आपका कोई भी गीज़र का कोई भी पार्ट्स हो वो आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेज दो हम आपको पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर सकते हैं वो टेंशन भी नहीं है तो या तो आप इसका ये टिप चेंज कर लें या फिर पूरी रिले चेंज कर लें यहाँ पर तो 80% में सफाई का मसला होता है बाकी जो ट्वेंटी परसेंट बच गया उसमें यहाँ पर इसके अंदर कोई कट शट लगा होता है जिसकी वजह से वो लीकेज होती है तो पोंख के साथ है, जब आप यहाँ से इसको पुख मारते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये लीकेज है इसमें या नहीं है तो यहाँ दोबारा इसको नट नटबुल्क के साथ लगा कर आपका ये वाला मसला जो है ये हल हो जाएगा ये इतना मसला भी नहीं है इसमें ये तीस रुपये की या तो वाशल का मसला हो सकता है वाशल भी लीक होती है तो इधर से गैस लीकेज हो सकती है इसके साथ खास ख्याल करें ये छोटा सा मसला होता है तो जिसकी वजह से गीज़र का लोग अक्सर मसला कर जाते हैं और इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं कि हमारा गीज़र का ये मसला है और ये फलाना है और आग जलती रहती है अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं बहुत आसान है और आ, उम्मीद है कि इन आपको इसकी समझ आ गई होगी अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज भेज दिया करें कॉल करने से गुरेज कर लें क्योंकि कभी बंदा फ़ारग नहीं होता तो वॉइस में से तो हमें जैसे भी आ जाता है जिस टाइम में हमें मौका मिलता है हम रिप्लाई कर लेते हैं हमारी कोशिश यही है कि कम अज़ कम हमारे पाकिस्तानी भाई ये छोटा मोटा काम अपना घर का कर सके ख़ुद तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद है तो लाइक करें जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहें खुश रहिए और खुश रखिए है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुदाफेज